स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। नैतिक, आई एम सॉरी, अब मैं क्या करती? माँ ने मुझे बाहर लॉन साफ करने को कह दिया, मना भी तो नहीं कर सकती थी ना, अच्छा नहीं लगता। आप सबकी नजरों में अच्छी बनकर रहना चाहती है, सबकी तारीफ जो चाहिए, सब आपके गुणों का बखान कर, यही कोशिश रहती है ना आपकी। आप सबको खुश रखिए, कुशल ग्रहणी बनकर आप सबको इंप्रेस कीजिए। मेरी खुशी से आपको क्या मतलब है? नैतिक, नहीं नहीं, आप जाइए, अपना काम कीजिए। मैं समझ गया, ना ही मेरे लिए आपके पास वक्त है, ना ही आप निकालना चाहती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप समझते ही नहीं है। कोई आया नहीं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा बहू तुम। मैं बस जा रही हूँ। अरे भाभी, कहाँ जा रही आप? सबको बुलाने आ रहे हैं। अच्छा, अक्षरा क्या बात है, आज नैतिक तुम्हें सुबह से ही ढूंढ रहा है। ऐसे ही चेहरा कैसे उतरा हुआ है? शिमला में ठीक से खाया नहीं, बहुत काम था बेटा। मुन्ना तो खुद का ख्याल रखा कर। बहू, सबका डिब्बा बना दे, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। I'm sorry, माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे, सहर से लौटकर तो तेरी भूख दुगनी हो जाती है। हाँ भाभी माँ, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा। बहू, जल्दी से डिब्बा तैयार कर दे, कम से कम ऑफिस में तो खा लेगा। जा। अक्षरा, बेटा टिफिन पैक कर दिए? जी माँ। रोटी पर घी लगाया है ना? जी, घी वाली रोटी ही है। और मीठा? वो भी रखा है, लड्डू है। आपने जो कहा वो सब रखा है, सब्जी भी रखी है और दाल में अच्छे से तड़का भी लगाया है। अच्छा किया, उस दिन उसने टिफिन छुआ भी नहीं था ना, इसलिए पूछ रही थी। मैं समझती हूँ माँ,
अब ऐसी गलती नहीं होगी। तुम बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ लो, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। और तुम तो हमारे घर के तौर तरीके बहुत जल्दी समझने लगी हो। जाओ टिफिन दे दो, मुन्ना ने नाश्ता पता नहीं क्यों नहीं किया। हाँ बहू, तुम्हारी माँ का फोन आया था, बात कर लेना। ठीक है माँ, सब काम हो जाए फिर कर लूंगी। बहू लगता है अक्षरा बेटिया ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर डिब्बे में रखा है, इसीलिए देर हो गई। जी नहीं तो। ऐसे बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने की जरूरत नहीं, तुमने तो हमारे बेटे को मोटा ही कर दिया। अभी वैसे हमारी बहू सब कुछ अच्छी तरह से सीख गई है, बहुत मन लगा के काम करने लगी है। वैसे हमारी बहू सब कुछ अच्छी तरह से सीख गई है, बहुत मन लगा के काम करने लगी है। देखना एक दिन ये पूरा घर अच्छे से संभालेंगी, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। राज बना जी, हो गई तैयारी जी। खाना जरूर खा लीजिएगा। तो चलें जी। नैतिक शाम को जल्दी आ जाना। यस बर्थडे गर्ल। घूमने का सारा प्रोग्राम चौपट मत करना। अरे ना ना, आज ऑफिस का काम खत्म होते ही मैं तने जल्दी भेजने वाला हूँ। अरे अच्छी बात है, जल्दी जल्दी ऑफिस जाओ और जल्दी जल्दी घर भी लौट आओ। चल जी। बताइए ना मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? ये कि ये? ये वाली। ये वाली? ये तो बहुत सिंपल है, मुझे लगता है मुझे ये वाली पहननी चाहिए। आपकी बर्थडे पार्टी जो है। तो पूछा क्यों था? दीदी हमें यूं बर्थडे में बाहर जाने को कहां मिलता है, इसलिए मैं सोचा मैं ये अच्छी सी ड्रेस पहन लेती हूँ। पर अच्छा किया दीदी तो आपने दद्दा जी से परमिशन लेनी, वरना उनसे पूछने के लिए तो हमारी जान ही निकल जाती है ना भाभी। दादा तो पूछ नहीं पाते, और मोहित जो हम सबको बड़े बड़े लेक्चर्स देता है, ये होना चाहिए लड़कियों में हिम्मत होनी चाहिए वगैरह वगैरह। दद्दा जी के सामने आते तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। पर मैंने भी पूरी परमिशन कहाँ ली है, सिर्फ यही बोला है कि घूमने जा रहे हैं। तो बस घूमते घूमते आप एडिटर से मिलाइएगा। क्या, किससे मिलना? भाभी वो दीदी को शाम को एडिटर से मिलने जाना है। एडिटर? अक्षरा तुम तो जानती हो ना, मोहित ने मेरी कविता कॉम्पिटिशन में दे दी, मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। एक मैगजीन का एडिटर मुझसे मिलना चाहता है। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है, पाऊजी तो ऐसे जाने नहीं देते। उल्टा अगर दादाजी को पता चलता तो घर में बवाल मच जाता, इसलिए हम दीदी को चुप कर ले जा रहे हैं। रश्मि मुझे लगता है हमें घर में सबको बता देना चाहिए। नहीं नहीं भाभी अभी नहीं बताएंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार इंटरव्यू हो जाने दीजिए फिर हम बता देंगे। लेकिन अगर बाऊजी को पता चल गया तो? दीदी दद्दा जी मैगजीन कहाँ पढ़ते हैं, उन्हें तो सिर्फ बिजनेस की बातें पता चलती है, हम उन्हें कभी खबर ही नहीं होने देंगे। बस आप अच्छे से इंटरव्यू दे आइए। मुझे तो अकेले जाने में बहुत अजीब लग रहा है, तुम मेरे साथ चलोगी ना अक्षरा? क्यों आप इन दोनों लव बर्ड्स को अलग करिए, दादा को भाभी के साथ घर के बाहर टाइम बिताने दीजिए। हम ऐसा करेंगे इन दोनों को पार्क में छोड़ेंगे और मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, नैतिक कब तक आ रहे हैं? लंच के बाद कहा था, लगता है अभी तक लंच नहीं किया, वरना मुझे फोन जरूर करते। भाभी एक काम कीजिए, दादा को याद दिला दीजिए, वरना वो भूल जाएंगे। दीदी ये देखो कितना प्यारा।
आप क्यों मुझसे इतना नाराज हैं? अक्षरा, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम करना है और घर भी जल्दी पहुंचना है। नानी दीदी को प्रॉमिस किया था ना, आपने मुझे क्यों फोन किया है? वो मैं आपने खाना खा लिया क्या? आपने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, अभी नहीं खाया है और ना ही मेरे पास वक्त है। आप जरूर खा लीजिएगा। ठीक है, खा लूंगा। अब मैं फोन रखूं? ये है कि राज बना तो गया है बाहर, थोड़ा देर से लौटेगा। आज मैं थारे साथ ही बैठ के खाना खाता हूं। जी आज ये थारा डिब्बा लागे है, खा ले। वैसे दादाजी मुझे भूख नहीं है। अरे खा ले, आज बहू ने थारे वास्ते बड़ा ही चोखा खाना बनाया है और वैसे आज सवेरे तने नाश्ता भी तो ना किया था ना। ऐसा खाना बेटा रोज रोज ना मिलता। अब तू आराम से बैठ के खा, मैं अपने कमरे में जाता हूं। जी तो हम एक दूसरे की खामोशी भी पढ़ लेते, कितनी भी दूर हो एक दूसरे के, कितने भी दूर हो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मैंने आज शायद आपको निराश कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। नैतिक, आप मेरी जिंदगी हो, मेरा अस्तित्व हो। आप मुझे हमेशा चांद की तरह खिला हुआ देखना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश में आपका प्यार छिपा है, पर आप ये जान लीजिए कि मैं हमेशा आपके लिए हूँ। हर पल मुझे आपका ख्याल है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी नहीं।